सुप्रभात। आज बड़े ही हर्ष के विषय है कि आज सावन का पहला सोमवारी पड़ा, इसलिए मैंने आप सोचा आप सबों को क्यों ना एक शिव परण बताएं और सिखाएं। यह शिव परण पार्वती द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो आज सावन की पहली सोमवारी, इसलिए यह शिव परण को आप सभी कोई ध्यान पूर्वक लिखेंगे और ध्यान पूर्वक याद करेंगे और बजाना भी सीखेंगे। बोल है, जय गिरि जा जय गिरि जा, पूजन कर तब अर्पण कर तब, धूप दीप सन डमरू बाजे, डिम डिम जय शंभो जय शंभो जय शंभो। यही परण है शिव परण, और इसको पार्वती जी द्वारा भगवान शिव की आराधना की जाती है। और आज सोमवार भी है, इसलिए हम सभी इस बोल को सीखेंगे। और यह परण तीन ताल में है। तीन ताल पहले भी हम आप सबों को सिखा चुके हैं। तीन ताल हिंदी वंदना में हमारा हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी में भी बजता है, वही से उसी तीन ताल के अंतर्गत यह परण भी हमारा बजेगा। तो फिर से एक बार इसको लिख लेंगे, याद करेंगे और बजाना सीखेंगे। जय गिरि जा जय गिरि जा, पूजन कर तब अर्पण कर तब, धूप दीप सन डमरू बाजे, डिम डिम जय शंभो जय शंभो जय शंभो। यह तीन ताल में है, तो सर्वप्रथम हम तीन ताल का ठेका बजाएंगे, उसके बाद इस परण को बजा के दिखाएंगे, उसके बाद फिर आपको सिखाएंगे कि एक एक शब्द पे हमारा कौन सा बोल बजेगा वो सिखाना है। क्योंकि कोई भी परण या कुछ भी हो, शिव परण हो, कृष्ण की आराधना हो, या किसी भी भगवान, या कोई भी स्तुति हो, या कोई भी कविता हो, तो उसको हम 10 वर्ण के अंतर्गत ही तबला में बजाते हैं। कोई नया इसमें कुछ नहीं करना है, इसलिए हमें 10 वर्ण को हमेशा याद करके उसको हमेशा अभ्यास करना है। तो लीजिए, प्रस्तुत है तीन ताल। फिर से हम एक बार बजाएंगे और एक एक शब्द पे क्या बज रहा। तो जैसे जय गिरि जा जय गिरि जा, अभी स्टार्टिंग में टी लगाते हैं और इसको बाद में आगे चल के न लगाएंगे। यह आप नहीं सीखे हैं तो आज इसको भी सीख लेंगे। ये उल्टा उंगली से नाभिका से हम लगा रहे हैं। पूजन करतब अर्पण करतब, ये ठेठे ते टिके टिताग ठेठे ते टिके टिताग। पूजन करतब अर्पण करतब, फिर से पूजन या तेरे तेरे, ये भी बोल सकते हैं ठेठे तेरे तेरे या तेरे, ये दोनों एक ही हुआ। फिर से पूजन करतब अर्पण
Caratabra. Per sé. हिंदी बंदना में सिखाए थे तो वही यहाँ पे बजेगा। हमारा उपयोग हो रहा है तो इसको ध्यान में रखेंगे। फिर से धूप दीप भिन्न भिन्न धारा, यानी धूप दीप अब है डीमा डीमा इस पे ध्यान देंगे। हमेशा इस शब्द का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे और बज रहा। उच्चारण बोलने का मतलब यह पढ़ वर्ण है जो हमेशा हमारा इसमें इस बोल में इस परण में बज रहा है। धूप दीप में ये ना सिखाए थे, इन संस्कृत वंदना में भी यह ना सिखाए थे, इसलिए जय शंभो। इसको तीन बार तिहाई में करते हैं। धा गिना धा धा गिना धा धा गिना धा। अब पूरा हम बोल को बजाएंगे। जय गिरि धा जय गिरि पूजन कर तब अर्पण धूप दीप संगम है। आप सबों को अच्छा लगा होगा और इसका अभ्यास करेंगे, और जहां भी समझ में नहीं आएगा मुझसे फिर से अपना आप पूछ सकते हैं कि कौन सा शब्द कौन सा वर्ण में बजेगा, इसकी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। धन्यवाद।